हे गाइस, तो लास्ट एपिसोड में मैंने अपनी सारी डियर का साइट में मस्त सेट कर दी थी और मुझे बहुत दिनों बाद कार ऑक्शन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा रियर कार मिली थी जो निसान GTR थी। वैसे मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारी निसान GTR है, पर बहुत दिन हो गए थे कि मुझे कोई रियर कार ऑक्शन के अंदर नहीं मिली थी और कल मुझे एक निसान GTR मिल गई थी। और अभी मेरे पास में बहुत सारी कार और अभी मैं सारी कार अपनी अंदर पार्क करने वाला हूँ और आज मैं अपनी सारी कार सेल करने वाला हूँ, वो भी नो बार्गिंग। आज कोई बार्गिंग नहीं होने वाली, कोई भी बंदा जो प्राइस बोलेगा ना वो प्राइस में बंदे को कार मिलने वाली है, ठीक है। आज बार्गिंग की जो सिस्टम है ना अपन ने बंद कर दिया है, जो बंदा ऑफर करेगा ना उसको वो प्राइस में मिल जाएगी, तो ठीक है मजा आएगा। इसमें थोड़ा लॉस मुझे हो सकता है बट कोई बात नहीं, कुछ अलग करना है तो अपने को करना पड़ेगा। और एक और बात गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपके दिमाग में कोई चैलेंज होगा ना तो अपन वो चैलेंज करेंगे, तो आप कमेंट कर देना। और इंस्टाग्राम की लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी, वहाँ पे जाके फॉलो कर देना, उधर अपन बातें करते हैं, ठीक है। अभी मेरी ना 3-4 कार मैंने अंदर पार्क कर दी और अभी मेरे को इनको सबको सेल पे भी लगाना है। जो अपना बंदा है ना वो मस्त से अभी वॉश कर दे रहा है, सारी कार ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही, बाहर पार्क करके रखी थी ना इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदी है, तो वो बंदा है ना फटाफट से उन्हें क्लीन कर दे रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी कार को सेल पे लगाता हूँ और इनकी प्राइस ना मैं थोड़ी ज़्यादा हाई रखने वाला हूँ, क्योंकि ना भैया बार्गिंग तो नहीं करने वाला मैं, प्राइस हाई रख के वैसे कोई फ़ायदा तो होता नहीं, बट अपन प्राइस थोड़ी तो बढ़ा के रखेंगे। देखते कहाँ तक मिलेगी, 60,000 लगा देते इस कार की। और अभी तो मेरे पास महंगी वाली भी कार से यार, देखते इनकी प्राइस कितनी लगाता हूँ मैं। 1,30,000 लगाता हूँ, 66,000 की कौन सी कार थी हो, ठीक है। अभी देखो लॉर्ड मुस्टैंग की मैं लगाऊंगा, ज़्यादा तो मिलेगी नहीं इसकी, 80,000 लगाते, 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी इसकी मेरे को, ठीक है। अभी और कौन सी बाकी, ओके फोर्चे थोड़ी महंगी है, 1,75,000 की इसकी मैं लगाने वाला हूँ, सीधा 5 लाख लगाते इतनी मिलेगी नहीं इसकी, 3 लाख के आसपास या फिर 2.5 लाख तो मिली जाएगी इसकी मेरे को। अभी यहाँ की सारी कार तो मैंने सेल पे लगा दी, बट अभी और भी मेरे पास में कुछ बाहर कार है और मेरे को कार मार्केट में और ऑक्शन में जाके भी उधर से भी और कुछ कार लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक क्या करता हूँ, इन कार को मैं सेल कर देता हूँ, बस कस्टमर की देरी हो गई। तो अभी कस्टमर भी आ रहे, देखो कितने सारे कस्टमर आ रहे, अभी इनके साथ में कोई बार्गिंग नहीं होने वाली, जो प्राइस बोलोगे ना वो प्राइस में मैं दे दूंगा, ठीक है। मैडम बोलो आपकी प्राइस क्या है, मुस्टैंग आप कितने में बाय करना चाहते हो, आपको मिल जाएगी, आप जो प्राइस बोलोगे ना वो प्राइस में मिल जाएगी, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बोलो बस बोलो, ओके 48,000 यानी कि प्राइस तो अच्छी थी बंदी ने, मैंने 50 से ज़्यादा सोचा था बट उसने 48 दे दी, ठीक है। ओके मैडम आप बोलो आपको कितने में चाहिए, मर्सिडीज कूपे आपको कितने में चाहिए, 1,10,000 इसकी प्राइस तो, ठीक है इतनी ज़्यादा नहीं मिली, चलो मिल गई फिर भी ठीक ठाक है। ओके मैडम आप बोलो आपको कितने में चाहिए, 4 थोड़ी महंगी यार, 3 लाख के ऊपर तो बोलना, ओके 2,54,000 बोली बंदी ने, यानी कि थोड़ा तो लूटी उस बंदी ने मेरे को, 3 लाख मैंने एक्सपेक्ट की थी बट मेरे को उतने में नहीं मिली, ठीक है। ओके ठीक है, बोटले की बोलो आप कितने लोगे सर आप, तो ओके ठीक है 35, तो ठीक है लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद में एक और फोर्चे बाकी और मेरे पास में ना और कुछ कार मेरे को बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्स तो मेरे पास में वैसे बहुत सारी, उनको भी अपन धीरे धीरे सेल करेंगे, बट अभी कार मार्केट ओपन है तो एक बार कार मार्केट में जाके आते और देखते वहाँ की जितनी भी जो अच्छी कार होगी ना वो सभी मैं बाय करने वाला हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी कार है, तो यहाँ पे ओके ठीक है मार्केट में, ठीक है कूपे में बाय कर लूँगा, यहाँ पे मतलब सेल नहीं करने वाला मैं बार्गिंग के बिना, मैं बाय भी बिना बार्गिंग के ही करूँगा, यहाँ पे भी कोई बार्गिंग होने ही नहीं वाली, ठीक है। जो प्राइस है ना वो प्राइस में ले लेंगे, जितनी भी प्राइस बोलेंगे सामने के बंदे उतने में बाय भी कर लूँगा मैं, ठीक है। टेस्ला है तो टेस्ला भी बाय करेंगे, ठीक है सर बोलो आपकी टेस्ला कितनी है, 1 लाख के आसपास है क्या, कितने की मिलती थे, ओके 47,000, चलो ठीक है ज़्यादा महंगी नहीं है, 22% डैमेज भी, ठीक है इसको भी टो करवा के भिजवा देते हैं अपने शोरूम पे। अभी मेरे को और 3-4 कार बाय तो करनी है, ओके मुस्टैंग भी यहाँ पे और शेवलेट भी है, तो अभी दोनों में से कौन सी कार बाय करूँ, ठीक है एक मिनट, पहले मैं शेवलेट बाय करता हूँ उसके बाद मैं मुस्टैंग भी बाय कर लूँगा, 1 लाख, ओके इतनी महंगी की शेवलेट, ठीक है कोई बात नहीं मैडम दे दो, कोई टेंशन की बात नहीं, डॉलर बहुत ज़्यादा है अपने पास में, बार्गिंग अपन नहीं करते, इसको भी टो करवा के भिजवा देते हैं। वैसे अपने 3 टो को तो मैंने करवा दी, बाकी को मुझे गैरेज पे भेजना पड़ेगा, ओके ठीक है। मेरे को लैम्बोर्गिनी तो नहीं, ठीक है लैम्बोर्गिनी बाय नहीं करूँगा मैं, ऑडी 8 बाय कर देते थे, ऑडी 8 ना बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी मेरे को बताए, इसकी प्राइस ना 4 लाख से ज़्यादा रहती है हमेशा, 4,41,000 है, ठीक है मैडम दे दो यार, इसकी प्राइस मेरे को 6 लाख तो मिलनी चाहिए यार, बार्गिंग बिना किए बिना 6 लाख तो ये कार डिजर्व करेगी। ओके अभी तो कोई अच्छी कार बची नहीं, मुस्टैंग ही बची है, मुस्टैंग ही बाय कर लेंगे, ओके बोलो मैडम मुस्टैंग कितने की, 50,000 के आसपास होगी, 50,000 के आसपास, ओके इतनी सस्ती मिल गई यार, ठीक है ले लो कोई टेंशन नहीं। अभी मुस्टैंग को भी भिजवा देते अपन, गैरेज पे भिजवाना पड़ेगा, ठीक है इसको भी भिजवा दिया। अभी गाइज मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है मेरे को ना अभी, ठीक है ड्रैग रेस में मैं गया नहीं था ना, ड्रैग रेस में भी एक बार मैं जाकर आता हूँ। पहले क्या करते, जो कार मैंने ना अपने गैरेज पे भेजी ना उनको थोड़ा अपन रिपेयर पे लगवा देंगे और उधर से अपन सीधा
ड्रैग रेस के लिए जाएंगे। आज मैं ड्रैग रेस के लिए नहीं गया हूँ ना, ठीक है, तो अभी मेरे को ड्रैग रेस के लिए भी जाना पड़ेगा। और लास्ट एपिसोड में मैंने क्या किया था, अपनी इस कार को ना मॉडिफाई करवाया था, टोटली मॉडिफाई करवाया था, ब्लैक कलर करवाया था, सब कुछ मैंने किया, बट ये थोड़ी गंदी हो रखी है, इसको वॉश भी करवाना है मेरे को। वॉश भी आज अपन करवा देंगे, टेंशन की बात नहीं। ओके सर, क्या क्या डैमेज है? ओके बहुत ज़्यादा डैमेज, रिपेयर कर दो। और मुस्टैंग डैमेज नहीं थी शायद से, देखते एक बार चेक करके। ओके ये डैमेज नहीं है, ठीक है, इसको मैं टो नहीं करवा सकता अभी। अभी मेरे को जाना है ड्रैग रेस में, उसके बाद में मुझे अपने निसान को थोड़ा वॉश करवाना है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल कार है, मैं इसको लेके इधर उधर घूमने वाला हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, रास्ते पे चलती है ना बहुत ज़्यादा गंदी होती है, इस वजह से इसको वॉश करवाते रहना पड़ेगा। इसलिए आज मैं इसको ना वॉशिंग सेंटर पर ले जाके वॉश करने वाला हूँ। उससे पहले अपने को ड्रैग रेस में जाना है, देखते आज कौन सी टक्कर वाली कार है। ऐसे कोई सस्ती कार नहीं आना चाहिए, कोई अच्छी कार आए ना तभी मजा आएगा। देखते हैं अभी कौन कौन सी है। ओके ठीक है, सेवलेट है। और नहीं यार, इतनी दोनों सस्ती कार है यार, नहीं इनके साथ में क्या करूँ, सेवलेट के साथ में करूँ ऐसा मेरा मन हो रहा है यार। ठीक है सेवलेट के साथ में देखते ट्राई करके, मैंने कभी की नहीं उसके ड्रैग रेस, तो ठीक है उसके साथ में मैं ट्राई कर ही लेता हूँ। ओके तो अभी अपनी सीधी ड्रैग रेस स्टार्ट हो रही है, सेवलेट को मैं थोड़ा आगे जाने दूंगा, मेरे को पता है वो इतनी फास्ट नहीं है ना, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा आगे जाने देना, इतने ज़्यादा आगे देखते अपन, मेरे को अभी ना हारना नहीं है, बट हारने जैसा तो सिचुएशन होने वाली। अभी मैं इसको सीधा आधे रास्ते तक जाने दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ से निकलूँगा। ओके जा जा बेटा, कितने दूर जाना है देखो, जा। ओके ठीक है चले जा, ठीक है बहुत दूर चला गया, अबे हरा देगा क्या अबे, अभी आएगा आगे। ओके गाइस, ओके भैया वो तो मेरे को हराने के सिचुएशन में ला लिया था, उसने निकल गया था आगे, बट अपने को हरा नहीं पाया। ठीक है अपनी निशान कभी हारती नहीं है। इसके बाद में ना कोई रियर कार वहाँ पे आ जाए ना तो मज़ा आएगा, कोई ना कोई ड्रैग रेस के लिए रियर कार आनी चाहिए। आज कोई रियर कार नहीं आई यार, अभी देखते हैं अगर कोई रियर कार आती है ना तो मज़ा आएगा। ओके ठीक है यहाँ पे अभी। ओके नहीं यार, ये कौन सी कार आ रखी है, इसका तो नाम भी नहीं पता यार मेरे को, 200 की बीट लेगा वो बंदा है, और उसको मैं 10 बार आ रहा दूंगा, पता है क्या 10 बार इतने आगे निकल जाएंगी ना, वो आएगा कब पता नहीं चलेगा उसका। ठीक है ये ड्रैग रेस खत्म हो गई, अभी मेरे को ना कार वॉश करवानी, उसके बाद में ना इसमें ना फ्यूल भी भरवाना है, बहुत दिनों से मैंने फ्यूल नहीं भरवाया, इधर उधर में घूमते रहे तो अचानक से किसी दिन ना फ्यूल खत्म हो जाएगा और मेरी कार आधे बीच में रुक जाएगी, इसलिए मेरे को इस पर ना पहले वॉश करवाते उसके बाद में फ्यूल भरवा देते। और ठीक है बंदे जल्दी से वॉश कर दे, मेरे के पास में टाइम नहीं ज़्यादा, वैसे फास्ट सर्विस तो देता है क्योंकि मैंने इसको ना फुल ना इसको मैंने अनलॉक करके रखा, स्किल होती ना पूरी अनलॉक करके रखी ना, इसलिए ना फटाफट से वॉश भी कर देता है ये बंदा, वरना पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था ये बंदा। ठीक है अभी अपनी कार वॉश हो जाएगी, ब्लैक कलर में मस्त तो लगती है, थोड़ी गंदी हो रखी थी, वॉश हो गई है अभी तो। ठीक है मैंने इसको सही से पार्क नहीं किया, नीचे देखो वाटर का ये मैंने देखा ही नहीं था कभी कि नीचे वहाँ पे वाटर भी होता है, पहले तो दिखाई देता नहीं था कभी। ओके ठीक है, ओके अभी देखने मिला मेरे को वहाँ पे वाटर भी होता है। ओके अभी क्या करते हैं, इसमें फ्यूल भरवा देते हैं, फुल टैंक फुल करवा देते हैं, उसके बाद में ना मुझे कार भी सेल करना है फटाफट से। ठीक है जल्दी से फ्यूल करवा देते हैं इसका फुल, अभी इसका फ्यूल भी हो गया अपना फुल, अभी ना अपना सारा काम हो गया, अपनी कार टोटली रेडी हो चुकी है, मतलब रिपेयर वेपेयर तो मैंने लास्ट एपिसोड में ही कर दिया था, मॉडिफाई भी करवा दिया था, पेंट वेंट सब कुछ हो गया था, अभी बस इसमें फ्यूल भरवाना बाकी था और इसको वॉश करवाना बाकी था, वो काम भी अभी हो गया, अभी इसका कोई काम बचा नहीं, अभी बस मेरे को जितनी कार है मेरे पास में सभी को अंदर ले जाना है, उसके बाद में सभी को सेल भी करना है, और बारिंग भी नहीं करनी यार, बारिंग नहीं करनी का ना ये थोड़ा अजीब हो गया गाइस, इसके चक्कर में ना मेरा थोड़ा लॉस तो हो रहा है गाइस, वरना मैं ना थोड़ा अच्छे डॉलर कमा सकता था, बट मैं कमा नहीं पा रहा इतना ज़्यादा, बारिंग नहीं कर रहा हूँ ना इस वजह से हो रहा है। ठीक है तो इसको मैं अंदर पार्क करता हूँ वहाँ पे। ठीक है शोरूम मैंने ओपन नहीं किया था क्या, वो ड्रैग रेस में गया था ना इसलिए बंद हो गया। अभी क्या करते हैं फटाफट से ना, ये दो तीन कार हैं उनको भी अंदर लेके आते हैं, बट पहले इस कार को ना सेल पे लगवा देता हूँ मैं, उन कार्स को अंदर पार्क करने तक ना इसके लिए कोई ना कोई कस्टमर तो आ जाएगा, तो जब तक टाइम पास होने से अच्छा है ना फटाफट से कार सेल करते, इसकी प्राइस में 1,40,000 लगाते, 1,00,000 के आगे तो जानी चाहिए, इसको लास्ट टाइम मैंने इसको सेल किया था ना 1,10,000 में किया था मेरे को याद यार, अभी दो मतलब 10 मिनट पहले मैंने सेल किया था ना, तो मैंने 1,10,000 में किया था। और टेस्ला तो इतनी महंगी तो नहीं यार, मतलब महंगी होना चाहिए था इतने, बट इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, तो ठीक है इसको भी मैं 50,000-80,000 तक तो मैं इसकी लगा दूंगा, और इसकी प्राइस मेरे को मिलनी चाहिए 60,000-70,000। अभी देखते हैं मेरे पास एक और कार है तो इसको भी लगाते हैं अभी सेल पे, ये कार बहुत तगड़ी है, इसको मैंने ना ड्रैग रेस में अभी ऐसा हराया ना भैया, वन साइड हरा दिया इसको, इतना आगे जाने दिया था फिर भी हार गई। ओके गए तो अभी नाइट भी हो गई, अभी कोई कस्टमर भी नहीं आएगा, वैसे दो कस्टमर तो आ रखे हैं उनको सेल कर दूंगा मैं, और फिर कल मॉर्निंग में सेल करना पड़ेगी बाकी का। और इसके बाद में ना मेरी बाहर भी बहुत सारी कार है यार, देखो बाहर कितनी सारी निशान विशान पड़ी, उनको भी सेल करेंगे अपन। ठीक है बोलो मैडम क्या प्राइस लोगे आप, कितने प्राइस दोगे, दे दो आप कोई टेंशन की बात नहीं है, 2,21,000। ठीक है ज़्यादा बंदी दे नहीं रही है, 3,00,000 देनी चाहिए थी बट नहीं दे रही है। ठीक है कूपे के लिए एक बॉडी बिल्डर सा बंदा आ रखा है, ओके सर बोलो आपकी प्राइस कितनी है, 1,40,000 लगाया, 1,00,000 अबे यार 94,000 में ले लिया बंदे ने यार, ये गलत हो गया, उस बंदे ने बहुत लूट लिया मेरे को,
मैंने बोला था यार 1 लाख से ज़्यादा मिलनी चाहिए, लास्ट टाइम मुझे 1,10,000 मिले थे, उस बंदे ने 94,000 में लूट लिया यार। गलत किया उस बंदे ने, मतलब थोड़ा तो गलत किया उसने, लूटा यार उस बंदे ने मेरे को, लूटा यार। ठीक है, अभी क्या करते हैं, मेरे को जाके सोना है। उससे पहले क्या करते हैं, मेरी 2 कार ना गैरेज में पड़ी है, उनको ना अपन टो करवा के भिजवा देते हैं, मॉर्निंग होते हैं ना उनको सेल करवा देंगे फटाफट से। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी ख़त्म करना पड़ेगा, जितना भी काम है ना फटाफट से ख़त्म करेंगे। ये दोनों कार अभी रिपेयर हो रखी है तो ठीक है। ये कार बहुत महंगी, सबसे महंगी कार तो यही कार है, इसका मुस्टैंग इतनी ज़्यादा महंगी नहीं यार, ये तो इतनी सस्ते में मिल जाती है। बट ऑडी आर8 ना बहुत ज़्यादा महंगी यार, वो कार ना रियर कार होनी चाहिए थी, बट वो किधर भी मिल जाती है यार, कार मार्केट में इधर उधर मिल जाती है। वो भी कार ना थोड़ी रियर होनी चाहिए थी बस ना, वो मतलब ऑक्शन के अंदर मिलना चाहिए था, बट ऐसा किया नहीं यार, इन लोगों ने उसको नॉर्मल बना दिया, बट रियर होनी चाहिए थी। ठीक है, अभी जाना है मेरे को सीधे सोने के लिए, तो जब तक मैं सोने के लिए जाता हूँ ना गाइस, तब तक आप मेरे को फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो आपके दिमाग में कोई चैलेंज होगा तो। ठीक है, अभी मैं विलेज में पहुँच गया और अभी मेरे सामने हाउस है, वहाँ पे जाके सो जाएंगे। और आज मैंने बिजनेस कितने का किया वो भी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं कहीं लॉस में तो नहीं हूँ, लॉस में तो नहीं रहूँगा मैं, मेरे को पता है लॉस में मैं कभी नहीं रहता हूँ। अभी एक बार चेक करते हैं मेरा आज फ़ायदा हुआ कितना है, मैंने बिजनेस किया कितना टोटल, ओके 72,000, इतना कम बिजनेस किया क्या मैंने यार। हाँ यार, मैं बार्गिंग नहीं कर रहा हूँ ना, उसके चक्कर में ना डॉलर कमा नहीं पा रहा हूँ। देखो यार, जितने में ले रहा हूँ उतने में सेल कर रहा हूँ यार, इस वजह से ज़्यादा कमाई हो नहीं पा रही आज। कोई बात नहीं, अभी जाते हैं, अभी ना मेरे को 2-3 कार और मतलब सेल करना पड़ेगी, मेरी 2 कार है जो मैंने अभी अभी मतलब उधर पार्क करके रखी है वहाँ से। बट जो अपने के पास में ना ऑडी R8 है ना गाइस, वो कार ना बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उसकी प्राइस मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा तो मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं उधर जाने से पहले ड्रैग रेस में एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कोई तगड़ी कार वहाँ पे होगी ना तो अपन ड्रैग रेस कर लेंगे, कार इस बीट करेंगे अपन, अगर निशान आती है या फिर कोई और तगड़ी कार आती है तो। अभी देखते हो कि वहाँ पे क्या खड़ी यार, बॉटले खड़ी वहाँ पे, मेरे को नहीं करनी है। ठीक है, निकलता हूँ मैं चुपचाप से, वो बीट लेगा ना $500 की बीट लेगा और टाइम पास करेगा वो बंदा, मेरे को पता है, उसको भी मैं 3 बार हरा दूंगा 3 बार। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये दोनों कार है ना तो ठीक है, इनको अंदर पार्क करेंगे और इनको सेल करेंगे। वैसे और भी 2 कार है अंदर, उनको भी मैंने अभी ना मतलब सेल नहीं किया है, अभी इन कार को भी लगाते हैं सेल पे, और बाहर 2 कार है उनको भी अंदर पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद में उनको सेल पे लगाने पड़ेगा। ओके, तो इसकी प्राइस मैं लगाऊंगा, कितनी लगानी चाहिए इसकी, मैं 80,000 लगाऊँ क्या, 80,000 नहीं, इसकी मैं लगाऊंगा, ठीक है, इसकी 90,000 लगा देते हैं, 90,000 में तो जाना चाहिए। ओके ठीक है, ये थोड़ी महंगी यार, इसकी मैं लगाता हूँ 3-4 लाख लगा देते हैं, देखते कितनी आएगी, तो इतनी तो आएगी नहीं पर लगाते यार, आ सकती है यार। पसेवल इतना थोड़ी महंगी कार तो यार उसकी आनी चाहिए, और टेस्ला का कोई इतना ही नहीं यार, उसके इतना सस्ते में बिकती हो। अब ये 2 कार है ना, इनको भी अंदर पार्क करना पड़ेगा और इनको भी लगाना पड़ेगा फटाफट से सेल पे। और मुस्टैंग है तो, मुस्टैंग तो वैसे मैंने एक सेल की थी यार, अभी थोड़ी देर पहले सेल की थी। ऑडी R8 यार, इसकी प्राइस मेरे को तगड़ी मिलनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए, इतनी महंगी कार यार, इसकी प्राइस ना थोड़ी आए तो मिलनी चाहिए, देखते कितनी आए मिलेगी, पता नहीं मिलेगी अभी नहीं मिलेगी या फिर सस्ते में ना चले जाए वो कार। वैसे ना आज मेरा कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ बट मेरा आज कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मैं बार्गिंग ही नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा थोड़ा भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा नॉर्मल फ़ायदा हुआ होगा, बट इतनी मेहनत करने के बाद तो थोड़ा अच्छा खासा फ़ायदा होना चाहिए, बट हो नहीं रहा है गाइस। अभी ठीक है, मेरी 4 कार है ना, इनको सेल पे लगाते फटाफट से, मतलब 2 तो लगा के रखी, 2 कार को सेल पे लगाते हैं फटाफट से, और इनके लिए भी कस्टमर आ जाएगा, वैसे एक कस्टमर आ रखा है वहाँ पे अभी गाइस। तो ये कार सबसे महंगी गाइस, ऑडी R8 की 7 लाख लगाते यार, 6 लाख तो मिलनी चाहिए, देखते कितने में जाएगी। उसके बाद में एक और कार थी गाइस मेरे पास में, इसको भी लगाते हैं सेल पे, इसकी मैं 70,000 लगाता हूँ, इससे ज़्यादा तो इसकी नहीं मिलेगी। ओके गाइस, तो अभी देखो मेरी 4 कार लग गई सेल पे, मुस्टैंग को 70,000 में लगा दिए, 50,000 मिल जाए, ठीक है। 7-8 की प्राइस कितनी मिलेगी, 1 लाख से तो मैंने इसको पाया था 1,16,000, अबे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ यार, 5,000 का फ़ायदा हुआ, सस्ते में लेके चल गया उस बंदे ने यार, बहुत सस्ते में लेगा। ठीक है, मुस्टैंग की देखते हैं, उसके बाद में इस कार की भी देखेंगे, इसके लिए कोई कस्टमर आ नहीं रहा यार अभी, इसको मैं वॉश करता हूँ, ये कार ना बहुत ज़्यादा महंगी है ना, इसको थोड़े महंगे प्राइस में बाय करना चाहिए। वो बंदा वॉश तो कर रहा है बट वो ठीक से नहीं कर रहा, इसलिए मैं खुद ही कर देता हूँ यार वॉश इसको अभी। भाई ये मेरी आज की सबसे महंगी कार है, इसकी प्राइस कितनी मिलेगी मेरे को पता नहीं, बट मिलनी चाहिए अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए, देखते कितनी मिलेगी। ओके ठीक है, वहाँ पे कस्टमर आके, ओके सर बोलो कितने में चाहिए, मुस्टैंग जितने में चाहिए उतने में मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं, 70,000 50,000 ठीक है लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। भाई टेस्ला के लिए कोई कस्टमर नहीं आ रखा है, ओके ऑडी R8 के लिए आ गया भैया कस्टमर आ गया, ठीक है। ओके सर बोलो मिल जाएगी, जो प्राइस बोलोगे उतने में मिल जाएगी। ओके 7 लाख मैंने लगा के रखी और बंदा 5,42,000 यार, इतनी नहीं दिया उसने, 6 लाख देनी चाहिए थी बट नहीं दिया, ठीक है जाने दो आप, गई तो गई यार। ठीक है अभी देखो टेस्ला के लिए आ गया एक बंदा, तो उसको वो कितने देगा, टेस्ला मैंने ज़्यादा बेची नहीं यार, इतना एक्सपीरियंस नहीं मेरे को टेस्ला का। अभी देखते ये बंदा 90,000 लगाइए और 64,000 इस बंदे ने दे दिया, ठीक है लेके जा, कोई टेंशन की बात नहीं।
ओके गाइस, तो अभी मैंने अपनी सारा जो शोरूम है ना पूरा खाली कर दिया है। अभी अपना सारा शोरूम खाली हो गया, मैंने जितनी भी कार थी ना बिना वायरिंग के बेच दी और खरीदी भी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।